गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, एंड टुडे वी आर हैविंग दिस डेटा एंड दिस डेटा यू कैन सी द फर्स्ट यू सी द डायग्राम ट्रेंड्स इन डेफिसिट। तो हम जानते हैं कि बजट वाले लेसन में हमने पढ़ा हुआ है कि डेफिसिट कई प्रकार के होते हैं, जैसे बजटरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट एक्सेट्रा। तो अगर आप डेफिसिट के ट्रेंड को देखें तो ये ग्रेजुअली जो है डाउनवर्ड टेंडेंसी इसकी है, जो पिछले प्रीवियस ईयर से अब इसको हम कंपेयर करें 22-23, 23-24 और 24-25, और उस ट्रेंड को अगर हम देखते हैं तो ये लगातार घटते हुए जा रहा है। घटने की गति में थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर हुआ है, लेकिन ट्रेंड जो है वो है घटने का। तो सबसे पहले अब हम आते हैं टेबल पर, तो पहले देख लीजिए इसको, बड़े गौर से देख लीजिए, अलग अलग साल का इसने दिया हुआ है। तो अब हम आते हैं इसके टेबल पर, देख लीजिए टेबल पर देखिए 2000 फिजिकल डेफिसिट, और आपको 2023-24 में 5.8% ऑफ GDP, 2024-25 में 5.1, वेरी गुड साइन। फिजिकल डेफिसिट का जो फार्मूला होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, तो ये हमारे बोरोइंग के लाइबिलिटीज़ को बताता है। फिजिकल डेफिसिट को पूरा करने के लिए हमको बोरोइंग का सहारा लेना पड़ता है, तो बोरोइंग फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी बोरोइंग के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो रही है, ये एक अच्छा संकेत माना जाएगा। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, देखिए रेवेन्यू बजट को हम दो भागों में बांटते हैं, एक रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। अगर माने तो रिसिप्ट दो प्रकार के होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर भी दो प्रकार के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू जो होता है वो रेकरिंग नेचर का होता है, वो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता है, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या रिसिप्ट हो वो हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के ऊपर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सरकार डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया 1991 में शुरू की थी, जिसमें सरकार अपने जो लॉस मेकिंग जो इंडस्ट्रीज थी, कंपनीज थी, तो उसका एक हिस्सा वो सरकार बेच देती थी प्राइवेट सेक्टर को। तो उस बेचने से क्या होता, एसेट्स कम होता था, पैसे सरकार को मिलते थे, और सरकार अपने डेफिसिट को पूरा करने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट को एक टूल के रूप में इस्तेमाल करने लगी थी बाद के कालों में। शुरू के काल में इसका मोटो अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे इसमें करप्शन का एंगल इन्वॉल्व होता गया और औने पौने दाम पर इसको बेचा जाने लगा था। और इसको मैंने मतलब बहुत ज़्यादा इस पर एलिगेशंस भी लगे थे। खैर, तो ये अभी हम बता रहे थे कि कैपिटल रिसिप्ट, सरकार को रिसिप्ट ज़रूर मिला डिसइन्वेस्टमेंट करने से, लेकिन सरकार ने अपने एसेट्स को कम किया, उस एसेट्स को प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया। तो कैपिटल रिसिप्ट का एक तरीका है जिसकी वजह से सरकार का एसेट्स कम हो रहा है। बोरोइंग भी कैपिटल रिसिप्ट है, लेकिन बोरोइंग से हमारी लाइबिलिटीज बढ़ जाती है, क्योंकि हमको वापस पैसा पे करना होता है, जिस जहाँ से भी हम पैसा लेते हैं, पैसा हम लोन लेते हैं, जहाँ से भी लोग, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे दूसरे कंट्रीज से हो, जैसे भी हो। तो ये दोनों जो बोरोइंग है और जो हमारा कैपिटल रिसिप्ट की डिसइन्वेस्टमेंट है, तो ये सब सारे जितने भी टूल हैं वो हमारे इकोनॉमी के लिए कहीं ना कहीं अगर वो बर्डन हो जाते हैं, अगर उसको हम सही तरीके से पैसे का इस्तेमाल ना करें तो। तो पहली बात अभी आप समझाने का प्रयास करते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, मतलब ये हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को पर असर डालते हैं, बस इतना ही मैदान। जैसे आप अब एक्सपेंडिचर की बात लो, जैसे आपने सड़कें बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हाल के समय में माननीय नितिन गडकरी जी ने जो जो रोड का जाल बिछाया, जो ब्रिजेस का जाल बिछाया, टनल का जाल बिछाया है, तो उनको आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाने लगा है। तो ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और ये इसकी वजह से भी हमारा फिजिकल डेफिसिट होता है। लेकिन ये डेफिसिट इस वजह से, इसके कारण अगर फिजिकल डेफिसिट होता है तो इकोनॉमी के लिए बर्डन नहीं है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे यहाँ एसेट्स का क्रिएशन होता है, हमारी इकोनॉमी की एक्टिविटी को बढ़ाना होता है, कुल मिला के GDP और देश की इकोनॉमी के लिए फ़ायदेमंद होता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर होता है। तो इसको समझने की ज़रूरत है।
तो फिजिकल डेफिसिट को आप, मैं समझ, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, सरकारी सब्सिडी है, सरकारियों की जो सैलरी दी जाती है, इस तरह पर जो भी एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, और टैक्स के माध्यम से जो भी टैक्स वगैरह के माध्यम से, और टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू के माध्यम से जो भी इनकम होती है, वो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट का हिस्सा बन जाता है। तो ये हम बेसिकली डेफिसिट के कंपोनेंट को हमने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। अब रेवेन्यू डेफिसिट देखिए 2.8 से 2% पर हुआ है। अब ये केवल डेफिसिट का कम होना ही सब कुछ अच्छा नहीं है। मान लीजिए रेवेन्यू डेफिसिट सरकार अगर मान लो कर्मचारियों के वेतन को कम करके अगर डेफिसिट को कम कर रही है तो कहीं कहीं वेलफेयर पर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन सरकार अगर यहाँ पर अगर इसके बाद जैसे आयुष्मान भारत योजना या कुछ इस तरह के जो लोगों को राशन देना है, गरीबों को राशन देना है, या और भी दूसरे तरह की स्कीम जो लाती है सरकार, उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम लाती है, तो अगर वहाँ पर अगर मनी डाइवर्ट होता है तो ये तो मैं मान सकता हूँ कि ठीक है। कुल मिलाकर रेवेन्यू डेफिसिट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, जो कि घट रहा है। सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा है। हाँ, अगर वेलफेयर कंप्रोमाइज होता है तब अच्छा नहीं माना जाता है। प्राइमरी डेफिसिट जो है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, क्योंकि हम जब लोन लेते हैं, बोरोइंग करते हैं, तो हर साल हमको लोन पर टैक्स वो भी इंटरेस्ट भी पे करना होता है। तो फिजिकल डेफिसिट में से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करते हैं तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट आता है, जो कि बहुत फिजिकल डेफिसिट से बड़ा पैरामीटर है इकोनॉमी के हेल्थ को जानने का। तो 2.3 से 1.5 आ जाना ये अपने आप में बहुत ही अच्छा माना जाएगा। इसके बाद इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो हमारा 1.8 से 0.8 है। तो ये अपने आप में सबसे बढ़िया पैरामीटर्स है जो हमको बताता है कि इकोनॉमी हमारी साउंड कंडीशन में है। तो बजट के जो डिफरेंट पैरामीटर्स थे, उन पैरामीटर्स के माध्यम से हम ये समझने में सफल हुए कि इकोनॉमी का में जो डेफिसिट्स है वो कम होते जा रहे हैं, इन डेफिसिट्स के इम्प्लिकेशंस क्या हैं और इन डेफिसिट्स के कंपोनेंट क्या हैं। आई होप यू लाइक इस, थैंक यू।